मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखनाथ स्थित मनोकामना सिद्ध राम जानकी हनुमान मंदिर के ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास जी महाराज को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों से पधारे संत महात्माओं से भी मुलाकात की और उनका कुशल क्षेम जाना। गोरखनाथ थाने के सामने स्थित मनोकामना सिद्ध श्री राम जानकी हनुमान मंदिर के महंत प्रेमदास जी महाराज रामनवमी के पावन दिन ब्रह्मलीन हो गए थे, जिसके संबंध में मनोकामना सिद्ध श्री राम जानकी हनुमान मंदिर के प्रबंधक अजय सिंह ने बताया कि प्रेमदास महाराज जी 10 अप्रैल को ब्रह्मलीन हो गए थे। उनके आकस्मिक निधन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समय गोरखनाथ मंदिर में ही थे। जैसे ही उनको सूचना मिली, उन्होंने तुरंत यहां पर आकर सारी व्यवस्था देखी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया कि ब्रह्मलीन प्रेमदास महाराज जी की इच्छा थी कि उनके शरीर का दाह संस्कार अयोध्या में किया जाए, जिस पर मुख्यमंत्री ने स्वयं सारी व्यवस्था करवा कर उनको अयोध्या भिजवाया और वहां पर दाह संस्कार संपन्न हुआ। शुक्रवार को यहां पर श्रद्धांजलि समारोह व भंडारा का कार्यक्रम था, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया और उन्होंने ब्रह्मलीन प्रेमदास महाराज को श्रद्धांजलि दी, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम सभी धन्यवाद देते हैं। उनके ब्रह्मलीन होने के दिन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके पार्थिव शरीर का दर्शन किया था और श्रद्धांजलि दी थी। ब्रह्मलीन महंत जी की स्मृति में शुक्रवार को श्रद्धांजलि समारोह व भंडारा का आयोजन किया गया था। व्यस्ततम कार्यक्रमों के बावजूद इसमें सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी से दोपहर बाद करीब 2 बजे गोरखपुर पहुंचे। श्री राम जानकी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के उपरांत उन्होंने ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास जी महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 4 दशक से अधिक समय तक महंत प्रेमदास जी ने गोरखपुर में रहकर मनोकामना सिद्ध श्री राम जानकी हनुमान मंदिर के माध्यम से न केवल सनातन धर्म की सेवा की, अपितु यहां आने वाले संतों श्रद्धालुओं को भी उनका सानिध्य लंबे समय तक प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, काशी आदि जगहों से पधारे संतों से मुलाकात की। संतों ने अंगवस्त्र आदि प्रदान कर सीएम योगी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रबंधन के लोगों को निर्देशित किया कि संत जनों के आतिथ्य में कोई कमी ना रहे और भंडारे के बाद पूरे सम्मान से उनकी विदाई की जाए। इस अवसर पर अयोध्या से पधारे दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास, रामलला सदन के स्वामी राघवाचार्य, बड़ा भक्तमाल के स्वामी अवधेश दास, वैदेही भवन अयोध्या के स्वामी रामजी शरण, उर्दू अकादमी के अध्यक्ष चौधरी कैफुल बरा, मनोकामना सिद्ध श्री राम जानकी हनुमान मंदिर के प्रबंधक अजय कुमार सिंह समेत कई संत व गणमान्य जन उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मनोकामना सिद्ध श्री राम जानकी हनुमान मंदिर के प्रबंधक अजय सिंह ने कहा, पूज्य संत श्री प्रेमदास जी महाराज जी का साकेत वास 10/4 रामनवमी चैत रामनवमी तिथि के दिन सुबह में 5:30 बजे हो गया था और उनके आकस्मिक निधन के अवसर पर गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज संयोग से गोरक्षपीठ में ही मौजूद थे और जो उनको सूचना मिले तुरंत आकर के पूरी व्यवस्था यहाँ का सारा व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, महाराज जी की इच्छा क्या थी, तो हम लोगों के द्वारा बताया गया कि उनकी इच्छा ये थी कि हमारा शरीर, मैं अयोध्या वासी रहा हूँ इसलिए मेरा शरीर अयोध्या में ही दाह संस्कार किया जाएगा।
इस पर महाराज जी के आदेशानुसार उनके निर्देश में वहाँ दसवीं के दिन महाराज जी बोले कि आज नवमी तिथि है, भीड़ काफ़ी होगा अयोध्या में, तो दसवीं के दिन आप लोग लेकर के जाइए। और महाराज जी ने खुद वाहन की व्यवस्था, सबको ले जाने की व्यवस्था, कैसे कौन जाएगा, सारा व्यवस्था करके आज महाराज जी का ये श्रद्धांजलि समारोह और भंडारा का कार्यक्रम आज था। इसका भी शुभारम्भ महाराज जी इतना व्यस्त रहते हुए, बनारस से अपना कार्यक्रम में व्यस्त रहते हुए महाराज जी फिर यहाँ आकर के सुबह, बल्कि पहले ये था कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, महाराज जी नहीं आ पाएंगे, लेकिन एकाएक फ़ोन आया कि महाराज जी पुष्पांजलि के लिए आएंगे और भंडारा का प्रारंभ करा के ही फिर किसी और कार्यक्रम में जाएंगे। तुरंत इसी कार्यक्रम के लिए महाराज जी ने प्रोग्राम बनाया था जी। चंद की जय।